सेल्फ इंजीनियरिंग क्या होती है, मैं इसी बारे में आप लोगों को बताऊंगी। मैं डॉक्टर रमा जोशी, जो अच्छी रेकी हीलर वास्तु कंसल्टेंट। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। हर चीज में आजकल हम लोग इंजीनियरिंग को लेते हैं। सेल्फ इंजीनियरिंग क्या होती है, वो हमारे लिए क्यों जरूरी है? हर चीज़ में इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग को प्रयोग करके हम किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात होती है हमारी अपनी, हमारी आत्मा की, जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अपने शरीर के बारे में सोचते हैं दिन रात, अपने रिश्तों के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, अपने अस्तित्व के, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। तो ज़रूरत है हमें सेल्फ इंजीनियरिंग की। क्या होती है ये? इंटरनल इंजीनियरिंग, अपने आप को सही तरीके से बिल्ड करना। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आप हैं क्या। जब तक आप समझेंगे नहीं, अगर आपको कोई ज़मीन दे दी जाएगी तो आपको पता है कि इसमें कुछ बनाना है मकान, तो सबसे पहले पता तो चले कि ज़मीन कितनी है, कैसी है, उसके बाद ही तो होगा उस पर काम। सबसे पहले तो अपने आप को आपको पहचानना पड़ेगा कि आप क्या हैं, आप किस तरीके की पर्सनैलिटी हैं, आप क्या महसूस करते हैं, आप किस परिस्थितियों में कैसा रिएक्ट करते हैं। जैसे हम ज़मीन में देखते हैं, वास्तु में मिट्टी कैसी है, आपके अंदर किस तरीके की मिट्टी है, किस तरीके के गुण हैं आपके अंदर, आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं, आप क्या हैं। खुद को पहचानेंगे तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा ना कि क्या क्या कमियां हैं और मैं उसको कैसे दूर कर सकता हूं और कैसे मैं इस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करूं कि वो कमियां भी मेरे गुण बन जाएं। कुछ इस तरीके से आपने अपने आप को प्लान करना है, अपने आप की इंजीनियरिंग करनी है, अपने आप की डेवलपमेंट करनी है। सबसे पहली सीढ़ी क्या है? खुद को पहचानना, खुद के अस्तित्व को पहचानना, खुद की पर्सनैलिटी को पहचानना। जब आप खुद को पहचानेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को पहचानेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का मकान किस ज़मीन पे बनाया जा सकता है। जिस तरीके की ज़मीन आप हैं, किस तरीके की आप पर्सनैलिटी हैं, आप उसके बाद किस तरीके की इंजीनियरिंग आप में चलेगी, आप किस तरीके की ग्रोथ डिज़र्व करते हैं, उसके बाद आप अपने आप को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा आप चाहते हैं अपने जीवन में वैसा, जैसा आप बनना चाहते हैं अपने जीवन में वैसा। क्योंकि हम जैसे हैं, हम वैसा कभी भी नहीं बनना चाहते, हम वैसा कभी भी नहीं करना चाहते, लेकिन हम कर रहे होते हैं क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम वैसा ही करते रहते हैं। जो परिस्थितियाँ चलती हैं हम उसके भाव में चलते रहते हैं, हम लोगों के हिसाब से अपने मूड को चेंज करते रहते हैं, लेकिन सेल्फ के हिसाब से कुछ भी नहीं करते, खुद के हिसाब से कुछ भी नहीं करते। हम क्या चाहते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, वो हम कभी नहीं करते। हम परिस्थितियों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से करते रहते हैं अपने काम, अपने मूड को। हमें ये नहीं करना अभी, अभी हमें अपने आप को बिल्डअप करना है, बनाना है, डेवलप करना है, सेल्फ इंजीनियरिंग करके खुद को एक अच्छी ग्रोथ देनी है, ताकि हम परिस्थितियों के अनुरूप ही हमेशा व्यवहार न करें, हम अपने हिसाब से व्यवहार करें, जो हम चाहते हैं, हम अपने आप को जो बनाना चाहते हैं वो हम बने। सबसे पहले खुद को महसूस करेंगे, फिर देखेंगे कि हमें अपने आप को कैसे डिज़ाइन में ढालना है, हमें कैसे रंग पसंद है, हमें अपनी पर्सनैलिटी की कैसी शेप पसंद है, उस शेप में, उस आकार में हम अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने वजूद को डालेंगे और फिर उसको डेवलप करेंगे। उसके बाद हम अपने सच्चे अस्तित्व को महसूस कर पाएंगे। जब तक सेल्फ इंजीनियरिंग करेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे होंगे परिस्थितियों को देख के, हम सिर्फ उस पर रिएक्ट करने वाले बन के रह जाएंगे, लोगों के हिसाब से रिएक्ट करने वाले रह जाएंगे। हमारा अपना कोई वजूद नहीं होगा जो कि उन परिस्थितियों से अलग हटके भी कोई शख्सियत रखता है, कुछ है, अपना अस्तित्व भी है। अपने अस्तित्व को हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ इंजीनियरिंग है अपने आप को महसूस करके उसको वो आकार देना जो आप देना चाहते हैं, वो शेप देना, वो कलर्स देना, वो डिज़ाइन देना आपकी पर्सनैलिटी को, जो कि आपने अपने बारे में सोची है, जो आप अपने बारे में कल्पना करते हैं, जो आप सोचते हैं कि मैं वो हूँ, वो अद्वितीय अलौकिक स्वरूप जो आपने अपने लिए बना रखा है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहले खुद को पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद सोचना पड़ेगा कि आप पे कैसे काम किया जाए,
क्योंकि आप किस तरीके की प्रकृति रखते हैं पहले तो ये पता चलेगा ना, उसके बाद ही तो आप अपने ऊपर काम कर पाएंगे। जब खुद को महसूस करेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, और सेल्फ इंजीनियरिंग करके एक अच्छी सी अपनी इमेज बना पाएंगे। अपनी इमेज अपने लिए, मैं लोगों के लिए इमेज की बात नहीं कर रही हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट कर पाएंगे। क्योंकि जो इमेज आप अपने लिए चाहते हैं, अपने लिए आपने खुद के लिए सोच रखी है, उसको बनाना और उस पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को छोड़ देंगे परिस्थितियों के भरोसे, लोगों के भरोसे, सिर्फ एक रिएक्ट करने वाले व्यक्ति ही बन जाएंगे, तो फिर आप अपनी डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तो अपनी डेवलपमेंट कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, महसूस कीजिए, डिज़ाइन कीजिए और एक अच्छी सी शेप दीजिए खुद को और खुद की पर्सनैलिटी को। आज के लिए इतना ही, मैं फिर आप लोगों से बहुत सारी बातें करने के लिए आऊँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए और अपने देश का सम्मान कीजिए। मैं डॉक्टर रमा जोशी, नमस्कार।